नरकटियागंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 21 हरदिया मोहल्ले में कई वर्षों से जर्जर सड़क और जलजमाव की समस्या से परेशान मोहल्ले वासियों ने ब्लॉक रोड से लौरिया मुख्य सड़क को जाने वाले रास्ते को जाम कर नगर परिषद और नगर सभापति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। नगर वासियों का कहना है कि जर्जर सड़क और जलजमाव की स्थिति में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलजमाव होने के कारण और इन रास्तों से आवागमन होने के कारण अनेक प्रकार की संक्रमित बीमारियां हो सकती है। कोरोना काल में कोरोना के बढ़ते प्रकोप से जनता तो पहले से हताश है, उस पे ये जलजमाव के पानी से उठने वाली दुर्गंध में रहना काफी मुश्किल है, लेकिन नगर परिषद के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बता दें कि वार्ड 21 के वार्ड कमिश्नर सभापति हैं और उनका निवास भी वही है। आए दिन समस्याओं से अवगत होने के बावजूद अपने वार्ड की समस्या का हल नहीं हो सकता तो फिर नगर के विकास का क्या ही कहना। वहीं जर्जर सड़क और जलजमाव की समस्या को लेकर संवाददाता के द्वारा फोन से सभापति के पूछने पर सभापति ने बताया कि टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लॉकडाउन के कारण काम नहीं हो सका। अभी बारिश का मौसम है तो फिलहाल उन रास्तों पर राबिस की व्यवस्था करा दी जा रही है जिससे आने जाने में लोगों को समस्या उत्पन्न ना हो। नगर अध्यक्ष महोदय का वार्ड है, वार्ड नंबर 21 है। यह रोड 5 साल से खराब पड़ा हुआ है, बच्चे गिर रहे हैं, लोग के निकलने की मुश्किल हो रही है, यहाँ महामारी फैल जाएगी, कैसे लोग बीमार लोग कैसे एम्बुलेंस भी कैसे निकल कर जाएगी। कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना सांसद महोदय दे रहा है, ना प्रतिनिधि विधायक महोदय दे रहे हैं, ना नगर परिषद दे रहा है। आखिर यह बनेगा कैसे? SDO साहब जो है एक्शन लिए हैं और नगर सभापति का तो ये गाँव ही है, उन्हीं का गाँव है ये, और इस वार्ड के जो है वार्ड कमिश्नर भी है वो। संवाददाता सोनहन प्रसाद, VSRS न्यूज, पश्चिमी चंपारण, बिहार।